डिटरमिनेंट में आपने कल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट खत्म करी है। डिटरमिनेंट पे आपको एक एपीपीएस डीपीपी मैंने दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा। उनके क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है या सब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक आप उसका आइडिया ले लें, और प्रॉपर्टीज को कैसे यूटिलाइज करना है वो भी अपन यहाँ पर सीख लेंगे। तो जो कल आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, 8-9 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, उसके पहले अपन ने माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा, और उसके पहले अपन ने 2/2 और 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकाली थी। इतनी बात अपन ने अभी तक डिटरमिनेंट में पढ़ी है, और जैसा आपको बताया डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से तैयार रखनी है, क्योंकि पूरा डिटरमिनेंट इसकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। और आप प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो एक क्वेश्चन मैं अब आपके सामने ले रहा हूँ, कैसे क्वेश्चंस में आप इसको यूज करेंगे प्रॉपर्टीज को, ठीक है। कई बार जो लिखा आता है क्वेश्चन में सीधा सीधा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, तो क्वेश्चन है टू दैट प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट विदाउट एक्सपेंशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा लिखा आएगा क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट विदाउट एक्सपेंशन। एक्सपैंड नहीं करना है आपको, विदाउट एक्सपेंशन आपको उसका आंसर करना है। जैसे इसमें पहला रिजल्ट है 3/3 का डिटरमिनेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसका वैल्यू 0 आता है, तो आप इसको पूरा ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब मेंशन होके आएगा कि आप इसको खोल नहीं सकते विदाउट एक्सपेंशन, आपको ये क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है, यू हैव टू वेरीफाई दिस विदाउट एक्सपेंडिंग दी। तो यदि ये लिखा नहीं होता विदाउट एक्सपेंशन, तो आप 3/3 के डिटर्मिनेंट को जैसा सॉल्व करते हो ओपन करके वैसा सॉल्व करेंगे तो भी ये वैल्यू 0 दे देता है, लेकिन आप देख रहे हो 3/3 के डिटरमिनेंट को ओपन करना फिर उसको सिंप्लीफाई करके 0 तक पहुंचाना थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है। तो प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन ये है कि आपने सबसे पहले जो कोशिश करनी है, पहली कोशिश हमने ये करनी है कि कम से कम 2 रो आइडेंटिकल हो जाए या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, क्योंकि आपने ये पढ़ा है यदि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। मान लो 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिटी, ये मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये स्टेप्स बता रहा हूँ, ये स्टेप्स को आप हर क्वेश्चन में फॉलो करें। तो सबसे पहला कोशिश आपने करनी है 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बनाना है। नहीं होता है ये तो फिर हम कोशिश करेंगे किसी पर्टिकुलर रो के या किसी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बना दें। यदि ये भी नहीं होता है, तीसरी बात जो सबसे ज्यादा यूज होती है कि हम कोशिश करेंगे किसी पर्टिकुलर रो के या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम के कम से कम 2 एलिमेंट हम 0 कर दें, यदि 3/3 का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो एक तो बात यह है कि हम किसी रो के सारे एलिमेंट 0 बना दें, 2 रो आइडेंटिकल कर दें, और यदि ये नहीं होता है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 एलिमेंट किसी रो के या किसी कॉलम के 0 हो जाए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पर ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसकी प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो अपन यहाँ पर प्रॉपर्टी ये यूज कर रहे हैं
तो सॉल्व करने के लिए मैंने इन प्लेस ऑफ कॉलम वन, मैंने कॉलम वन की जगह पर कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री लिख दिया, तीनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आप देखोगे क्या कि फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है फर्स्ट कॉलम, तीनों को ऐड करके लिख रहे हैं तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, इसको ऐड करेंगे सो दिस बिकम्स ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा। नाउ सेकेंड कॉलम रिमेन्स एज सच और थर्ड कॉलम ऑल्सो रिमेन्स एज सच। जब आप ये प्रॉपर्टी लिखते हैं तो यहाँ पर चेंज केवल फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम रिमेन्स सेम, केवल पहले कॉलम की जगह पर हम ये लिख रहे हैं। अब यू नो दैट बाई दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, तो इन नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट कॉलम आपका पूरा का पूरा जीरो 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 हो जाएगा, सेकेंड कॉलम एस सच मैंने कॉपी कर दिया और थर्ड कॉलम भी एस सच है। और अब आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा और ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर हमने कहीं एक्सपांशन नहीं किया है, केवल प्रॉपर्टीज लगाई हैं और इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा जब ये बात आएगी विदाउट एक्सपांशन, अदरवाइज आप इसको खोल के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो भी मैं एक बार मान लो ये विदाउट एक्सपांशन नहीं लिखा होता, आपके पास एक और तरीका था कि अपन 3/3 के डिटरमिनेंट को जैसा सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सेकेंड वे मेथड है वो आप देख लीजिए यहाँ पर, अपन जब इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो जब वन के लिए सॉल्व करोगे तो वन के साथ क्या आता है, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो वन के लिए क्या आएगा, वन के लिए आएगा ओमेगा क्यूब माइनस वन, फिर ये ओमेगा के लिए क्या आएगा तो प्लस ओमेगा, ओमेगा के लिए ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर के लिए बनेगा ओमेगा माइनस ओमेगा पावर फोर। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू नो दैट ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन होता है, तो दिस बिकम जीरो, ये तो कट जाएंगे तो ये टर्म भी जीरो आएगा, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर फोर का वैल्यू ओमेगा के बराबर होता है, तो दिस इज अगेन जीरो। तो नाउ दिस गिव्स यू, तो जब आपको ये वर्ड मेंशन नहीं होगा विदाउट एक्सपांशन तो आप इसको सीधा ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, जब विदाउट एक्सपांशन वर्ड आएगा तब आपने ऐसा खोल के सॉल्व नहीं कर सकते, तब आपको प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन करना है, और प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन जब आपने करना है तो आप यही सीक्वेंस फॉलो किया करो। सबसे पहले कोशिश करना है दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाए, नहीं बनते हैं तो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, ये भी नहीं होता तो फिर हम कोशिश करते कम से कम दो तो जीरो हमको मिल जाए, इन्हीं दो जगहों पर जीरो मिल जाए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज का इसी ऑर्डर में अपन एक दो तीन क्वेश्चन में आपको भी बता रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीन शॉट, इजी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, कोई डाउट होगा कहीं कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर दो, अगेन हेडिंग हमारी यही है विदाउट एक्सपांशन हमको प्रूव करना है, दूसरा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। You have to show that it is twice of ABC, PQR, XY.
अब एक चीज आप ये समझिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करते जाओगे, आप प्रॉपर्टीज का इम्पोर्टेंस समझते जाओगे। आप ये देख रहे हो इस क्वेश्चन में, यदि आप इसको पूरा उठा के सॉल्व करते हो, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट है, एक्चुअली ये 8 डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा, क्योंकि इससे 2 बनेंगे, फिर इससे 2 बनेंगे तो टोटल 4 हो जाएंगे, और फिर जब इससे 2 बनाओगे तो वो 4 के 8 हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है। कोई पर्टिकुलर कॉलम 2 एलिमेंट का सम है, तो आप इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। एक डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम बी क्यू वाई लेंगे, दूसरे डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम सी आर जेड लेंगे, तो ये स्प्लिट होके 2 डिटरमिनेंट बन जाएगा, जिसमें सेकेंड और थर्ड कॉलम सेम रहेगा। और अब फिर इसको जब आप 2 में ब्रेक करोगे तो 2 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 डिटरमिनेंट बन जाएंगे, और फिर जब इसके लिए आप सॉल्व करोगे तो 4 से 8 हो जाएंगे। तो टोटल 8 डिटरमिनेंट में ये ब्रेक होगा, और 8 डिटरमिनेंट में से केवल 2 डिटरमिनेंट सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी 6 डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, इसलिए ये ट्वाइस लिखा है यहाँ पर। टोटल 8 डिटरमिनेंट बनेंगे, 8 में से केवल 2 सर्वाइव करेंगे, 6 की वैल्यू 0 आती है, इसलिए ये ट्वाइस होता है। तो पूरा एक्सपांड करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ये लेंदी होगा। तो अपन यहाँ पर विदाउट एक्सपांशन कर रहे हैं। विदाउट एक्सपांशन का मतलब यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अपन इस बात को वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो टू वेरीफाई दिस, ये हमको प्रूफ करना है। अभी अपन प्रूफ वाले रिजल्ट दे रहे हैं, फिर आगे वैल्यू फाइंड करने वाले लेंगे। अभी अपन को आंसर पता है कि इतना लाना ही है कुछ तो भी करके, ठीक है। तो अब अपन इसका प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अब देखिए मैंने ऑपरेशन क्या लगाए, और ये प्रैक्टिस से आपको ऑपरेशन सीखने हैं, बस और कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम की जगह पर मैंने फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम किया। इससे क्या फायदा होगा आपको, यदि आप इन दोनों को ऐड करके ये सबट्रैक्ट मारते हो तो ए बी कट जाएंगे, 2 सी हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल सिंगल एलिमेंट आ जाएंगे। ये प्रॉपर्टी लगा के देखिए कैसा दिखता है। तो व्हेन वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, तो अब दिस डिटरमिनेंट बिकम्स फर्स्ट जो एलिमेंट है वो आपका क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखोगे क्यू और आर कैंसिल हो जाता है और आपका आ जाता है 2p, सॉरी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और ये सब ऐड कर रहे हैं, तो पी क्यू कैंसिल होगा, 2 आ रहा है, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके ये वाला सब ऐड करेंगे तो 2z है, ट्वाइस ऑफ जेड। केवल फर्स्ट कॉलम चेंज हुआ है, सेकेंड और थर्ड कॉलम आपको सेम रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो सेकेंड कॉलम एस एच कॉपी करिएगा, सी प्लस आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, यहाँ पर ए प्लस बी रिमेन सेम, पी प्लस क्यू ये भी सेम आएगा, और एट दी लास्ट एक्स प्लस वाई ये भी सेम आएगा। और अब इसके बाद डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से ये 2 जो है फर्स्ट कॉलम में जो 2 2 2 आया है, ये 2 2 2 को आप बाहर लिख सकते हो। तो ये मैंने 2 फर्स्ट कॉलम में से बाहर ले लिया, ये आ गया बाहर 2। अब मैं क्या करता हूँ, इन प्लेस ऑफ कॉलम 2 मैं कॉलम 2 की जगह पर कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर देता हूँ। फर्स्ट कॉलम जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसमें, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद भाई चेंज केवल सेकंड कॉलम में होगा, आपका फर्स्ट कॉलम एस सच रहेगा सी आर जेड, आपका थर्ड कॉलम एस सच रहेगा ए प्लस बी, पहले आप इनको लिख लिया करो, कभी गलती नहीं होगा, जिसमें चेंज हो रहा है केवल उसको छोड़ा। अब अपन जो चेंज क्या करना है, अपन को सेकंड कॉलम की जगह पर सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम सबट्रैक्ट करना है। तो इस कॉलम में जब ये सबट्रैक्ट करोगे तो सी सी उड़ जाएगा, ए बचेगा, यहाँ पी बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, ए पी एक्स बचेगा, ए पी एक्स। और अब अपन यहाँ पर ए पी एक्स को उड़ा देते, मतलब इन प्लेस ऑफ थर्ड कॉलम मैं थर्ड कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम लिख रहा हूँ, और जैसे ही आप ये लिखोगे तो फर्स्ट कॉलम रिमेन सेम टी आर जेड, ए पी एक्स सेकेंड कॉलम रिमेन सेम, और यहाँ पर ए पी एक्स पड़ जाएगा तो वी पी वाई मिल जाएगा, ये आ गया। और अब आप बी देखिए, क्यू हाँ वाई वी क्यू वाई सेम
ठीक है। और अब आप देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है ये डिटर्मिनेंट के बराबर आता है, मैं बराबर ला लेता हूँ। कैसे लाएंगे बराबर? तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को, क्योंकि सी हमको लास्ट में चाहिए, तो मैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ। तो जब आप फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो आपने पढ़ा है नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो माइनस का साइन ला दिए और अब फर्स्ट कॉलम बन गया बी क्यू वाई, सेकेंड कॉलम आपका ए पी एक्स एस सच है और थर्ड कॉलम हो गया आपका सी आर जेड। और एट दी लास्ट मैं अब क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। तो जब आप फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस और बाहर आएगा, और जैसे ही आप वो इंटरचेंज करोगे तो ट्वाइस बाहर है एस सच है, और ये दोनों इंटरचेंज होंगे तो ये ए पी एक्स आ गया, ये बी क्यू वाई आ गया और लास्ट वाला सी आर जेड अपनी जगह पर अस्तक बैठा है। और अब आप देखिए ये अपना रिजल्ट है। तो ये है विदाउट एक्सपांशन, मैंने आठ डिटर्मिनेंट में ब्रेक नहीं किया है, ये टोटल आठ डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा जिसमें से दो सर्वाइव करेंगे, छह का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, वैसा करने के बजाय हमने प्रॉपर्टीज को यूज किया है और इस तरीके से मैंने जो डबल डबल था पहले उसको सिंगल में ला लिया, ये सिंगल दोनों में सबट्रैक्ट करके सबको सिंगल बना लिया। अब सबको सिंगल बनाने के लिए, इससे मैच करने के लिए हमको केवल ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड कॉलम पहले इंटरचेंज करी और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड कॉलम इंटरचेंज कर दिया, तो डायरेक्टली वी गेट अवर रिजल्ट। तो दिस इज दी सोल्यूशन, आप देख लीजिए कोई डाउट है उसमें तो पूछ लें। इंटरचेंज दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। हाँ, इंटरचेंज आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर लो बाद में इन दो, कैसे भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं। मेनली सी बाद में आना चाहिए, ए सबसे पहले आना चाहिए, बी उसके बाद, फिर सी सबसे बाद। तो हम इन दोनों को इंटरचेंज करके ए सी बना लें, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करके बी सी बना लें, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस उससे मैच करना चाहिए। आगे जब आप चलोगे और कुछ सीखोगे तो इसमें आप ये देखोगे कि साइक्लिक ऑर्डर में यदि चेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर ए बी सी लिखा है, मैं ए बी सी की जगह बी सी ए लिख दूं या फिर मैं सी ए बी लिख दूं, तीनों बराबर होते हैं। तो आगे चल के आप इस बात को डायरेक्ट लिखना सीखोगे कि ये चीज तो ये चीज के बराबर ही होती है, कोई फर्क नहीं है। ये देखो आप यहाँ पर ए से शुरू करके ए बी सी, यदि आप साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं कर रहे तो ये सब बराबर होते हैं। ये आपको पहले जो बताया, या ए के बाद बी के बाद सी लिखा है, आप ए से शुरू करके ए बी सी लिखें या फिर आप बी से शुरू करके बी सी ए लिखें या फिर आप सी से शुरू करके सी ए बी लिखें, ये सब बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। हमको ये सी ए बी वाला दिया था तो अब आप डायरेक्टली सी ए बी की जगह ए बी सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें बराबर आएंगी। ठीक है, सो ये है, वो अपन आगे जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ दिनों बाद ये बात अपन डायरेक्टली लिखेंगे, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए तो नोट कर लीजिए, चलते हैं पेज नंबर 3 पर। ये है प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन, कुछ तो भी उठा पटक करके। अब एक चीज और समझें, इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट जो है ये बहुत ज्यादा काम में आएगा, आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लेना। ठीक है, जो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट बन जाता है, तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, तो आपके कुछ 4-5 स्टेप्स सेव हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रखें, और ऐसे 2-3 रिजल्ट और मैं आपको याद कराऊंगा। क्वेश्चन तो वैसे यह है कि इवैल्यूएट the value of 1 a square 1 b b square 1 c c square, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली याद रखना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। इसकी वैल्यू बहुत जगहों पर, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत जगहों पर ये रिजल्ट आके बन जाता है। फिर इसको करने में जितना टाइम लग रहा है वो मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ। बनने के बाद जो ये बनता है उसकी वैल्यू आती है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखना, कभी भी ऐसा आता है ये
तो ये a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए हो, इतना आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब ये आता कैसे वो मैं वेरीफाई कर देता हूँ, वैसे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्ट याद रखना है। तो वही है हमारी बात, आप यदि इसको सीधा खोल के अरेंज करने जाओगे ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं इसको पूरा उठा के 3/3 का डिटरमिनेंट एक्सपांशन से नहीं कर रहा हूँ, विदाउट एक्सपांशन इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और विदाउट एक्सपांशन सॉल्व करने के लिए हमको प्रॉपर्टीज यूज करनी है, और प्रॉपर्टीज के लिए मैंने आपको बताया कि हमारी सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि हम दो रो आइडेंटिकल करें, नहीं हो पाता है तो किसी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो करें, नहीं हो पाता है तो आपको बोला था जो सबसे ज्यादा लगता है वो किसी रो या कॉलम के कम दो एलिमेंट हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, यदि किसी पर्टिकुलर रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट 1-1 आ गए तो आप इन 1-1 की हेल्प से दो जगहों पर एक साथ तीनों जीरो नहीं बनेंगे, इन 1-1 की हेल्प से दो रो जीरो दे देंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा एक ऑपरेशन लगा दे रहा हूँ, और वो ये है कि मैं दो जगहों पर जीरो बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो की जगह पर फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो लिखा है, पहली रो की जगह पर मैं पहला रो माइनस दूसरा रो करता हूँ, तो फर्स्ट रो की जगह पर फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो करेंगे, तो देखिए क्या दिखेगा। तो ये आपको दिखेगा केवल रो फर्स्ट चेंज होगी, तो 1-1 कितना हो जाएगा जीरो, फिर आएगा ए माइनस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड रो को आपको हाथ नहीं लगाना, थर्ड रो को आपको हाथ नहीं लगाना, ठीक है। एक साथ दो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं आप, यहीं पर आर टू माइनस आर थ्री भी कर सकते थे, नहीं करना तो मैं दूसरी रो में इसको करके बता रहा हूँ आपको, एक बार में एक रो ऑपरेशन कर दिए। अब ये देखिए जितना कॉमन आते जाए वो बाहर निकालते जाया करो, ये आपको पहले भी मैंने बताया है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए जितना हो सके बाहर निकालते जाया करो। तो फर्स्ट रो में से ए माइनस बी मेरा बाहर सीधा बन के निकल के आ जाता है, अब मेरे पास जो बच गया वो 0 1 ए प्लस बी बच गया, सेकेंड रो एज सच है और थर्ड रो भी एज सच है, और अब इसके बाद यही काम मैं सेकेंड और थर्ड रो में कर रहा हूँ, मतलब इन प्लेस ऑफ सेकेंड रो हियर वी राइट सेकेंड रो माइनस थर्ड रो। तो जैसे ही आप ये करोगे तो बाहर ए माइनस बी बैठा ही है, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्स्ट रो आपकी एज सच है, और अब सेकेंड रो आपकी हो जाएगी 0 b-c b² - c² थर्ड रो आपको एज सच रखनी पड़ेगी, थर्ड रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगा, देखिए दो जीरो बना डाले मैंने। एक काम और कर लेते हैं कि सेकेंड रो से b माइनस सी बाहर आ रहा है तो उसको भी बाहर निकाल के लिख लेते हैं, तो मेरे पास a माइनस बी, b माइनस सी बाहर आ गया, फर्स्ट रो मेरी बची थी 0 1 a प्लस बी, सेकेंड रो मेरी बची है 0 1 b प्लस सी, 0 1 b प्लस सी, और थर्ड रो तो मेरी 1 c c² है। तो देखिए ये बोल रहे थे आपको कि कम से कम दो जीरो बना ली, अब ये जो दो जीरो बन गए तो अब मैं इस कॉलम, क्योंकि आपको बताया है डिटरमिनेंट का वैल्यू आप किसी रो के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं, तो अपन उस कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे जहां पर आपको दो जीरो मिल गए। तो मैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो जीरो के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, इस जीरो के लिए सॉल्व करोगे तो भी जीरो आएगा, तो केवल मेरे को अब सॉल्व किसके लिए करना पड़ेगा, वन के लिए। तो जब वन के लिए इसको एक्सपैंड करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख रहा हूँ, तो जीरो के लिए जीरो आता है, ये जीरो के लिए जीरो आता है, और जब ये वन के लिए करेंगे तो ये छोड़ेंगे क्या आता है, बी प्लस सी माइनस ए प्लस, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, क्या कट जाता है, बी भी कट जाता है, क्या बच गया आपके पास, ए माइनस बी और बी माइनस सी तो बाहर बैठे थे और ये बच गया सी माइनस ए, तो नाउ वी गेट अवर रिजल्ट, ये रिजल्ट आ गया। तो आप यदि इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन इतने स्टेप्स आप बचा ले जाओगे, अदरवाइज किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जा रहे और यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आ गए, ये रिजल्ट आपने डायरेक्ट याद नहीं किया तो फिर आपको इतना करना पड़ेगा, तब जाके आप रिजल्ट पे पहुंचोगे, इसलिए आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखिए। सो दिस इज दी
यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, यहाँ पर हमने कहीं एक्सपैंड नहीं किया है, विदाउट एक्सपेंशन इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और विदाउट एक्सपेंशन में हमारी सबसे पहले ये तीन ऑर्डर आप बिल्कुल फॉलो करना। सबसे पहला काम, दो रो या दो कॉलम देखना आइडेंटिकल हो रहे कि नहीं हो रहे। नहीं हो पा रहे हैं तो आइडेंटिकल कैसे होंगे, कुछ कॉमन वॉमन लेके आप यहाँ कुछ तो भी कॉमन ले लो, कोई आइडेंटिकल नहीं हो सकते। इसको आप 111 नहीं बना सकते, इसको 11 नहीं बना सकते, रो वाइज भी आइडेंटिकल नहीं होता। तो फिर हमारी कोशिश ये है कि हम तीन एलिमेंट एक साथ जीरो बना दें। और ये याद रखें कि कभी भी आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम के तीन एलिमेंट 11 मिल गए हैं तो फिर आप एक साथ इन तीनों को जीरो नहीं बना सकते, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप दो जीरो बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर वही किया है। सबसे पहली कोशिश आपकी हर क्वेश्चन में यही रहना कि आप किसी भी तरीके से पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट 111 बना लो और फिर वो 111 की हेल्प से इस तरीके से दो जगहों पर जीरो बना लें। एक बार दो जगहों पर जीरो बना तो फिर तीसरे के रिस्पेक्ट में उठा के सॉल्व कर दीजिए, यू गेट दी आंसर। इस क्वेश्चन अपन इसमें और करेंगे, आपको धीरे धीरे ये क्वेश्चन ध्यान में आते चले जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ओ सॉरी डीपीपीएस का। हाँ इम्पोर्टेंट हाँ बोलो सर। पर यहाँ पे ऐसा है C1 equals to C1 minus C1 C1 नहीं, किसी कॉलम में से उसी कॉलम को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई दूसरा कॉलम सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ R1 लिख दिया तो फिर आप R1 में R1 को ही सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज तो फिर हर क्वेश्चन का आंसर जीरो आ जाएगा। कोई रो में से वही रो सबट्रैक्ट नहीं होती है। इनवेरियंस प्रॉपर्टी आपने लिखी है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी में आपने ये लिखा है कि किसी रो के एलिमेंट्सों को किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सबट्रैक्ट करना है। वहां पर अदर वर्ड आपने लिखा है, रो दूसरी होना चाहिए, किसी रो में से उसी रो को सबट्रैक्ट नहीं करना, अदरवाइज पूरे डिटर्मिनेंट सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएंगे। तो जब आप R1 ले रहे हो तो R1 में से आप या तो R2 सबट्रैक्ट कर सकते हो या फिर RT सबट्रैक्ट कर सकते हो। R2 या R3 ही होगा, R1 सबट्रैक्ट नहीं होगा। सेम रो सबट्रैक्ट नहीं करनी है, सेम कॉलम सबट्रैक्ट नहीं करना है, ना तो ऐड करना है ना सबट्रैक्ट करना है। अगर रो में आप कुछ भी कर सकते हो तो प्रॉपर्टी इनवेरियंस प्रॉपर्टी लग जाती है, फिर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में चेंज नहीं आता। सर सर, लास्ट के दो स्टेप एक बार फिर से बताना। लास्ट के दो स्टेप में केवल वैल्यू कैलकुलेट किया है, ये 3x3 का डिटरमिनेंट का वैल्यू हमने कॉलम वाइज निकाला है। तो जीरो के लिए जब आप निकालोगे तो ये छोड़ेंगे क्या आता है, दिस माइनस दिस, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो ही आएगा। फिर इस जीरो के लिए भी जीरो ही देगा। फिर इस वन के लिए सॉल्व करेंगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, आएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी। बी बी कट गया, बचा सी माइनस ए, तो ये सी माइनस ए सच कॉपी कर, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखी है और कुछ नहीं। तो ये वाले डिटरमिनेंट की जो मतलब वो वैसी सेम रहनी चाहिए कि इंटरचेंज हो सकती है? नहीं, ये इंटरचेंज होंगी तो माइनस साइन आ जाएगा। आप इसकी जगह ये लिखोगे तो सामने माइनस दे दे। जितने रो इंटरचेंज करोगे या कॉलम इंटरचेंज करोगे उतने माइनस आते चले जाएंगे। आप साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करोगे तो वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। मतलब मैं ये ए बी सी लिखा है, मतलब 1 2 3 लिखा है, तो मैं 1 2 3 की जगह 2 3 1 लिख सकता हूँ। 2 3 1 का मतलब है ये इधर लिख दूँ, ये वाला कॉलम इधर लिख दूँ, ये वाला कॉलम इधर लिख दूँ, ये वाला कॉलम सबसे लास्ट में लिख दूँ, तो भी यही है। साइक्लिकली चेंज करोगे तो वैल्यू में फर्क नहीं आता। और कोई डाउट? चलिए वेरी गुड। और भी रिजल्ट इसके बनते हैं। अब देखिए, एक रिजल्ट ये भी बनता है इसमें कि अब मैं यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ले लूँ, और फिर हम एक और रिजल्ट बनाएंगे यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लूँ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हम बना सकते हैं। अब इसका यूटिलाइजेशन से मैं एक क्वेश्चन और आपको करके बता देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट सम है और शायद वो भी आपको ए पी पी एस में मिल जाए। अरे क्वेश्चन अभी एक ध्यान में आया, देखता हूँ मिल जाता मेरे को तो मैं सॉल्व इसमें है ही नहीं।
ये देख लीजिए एक क्वेश्चन और मैं बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप बनाइएगा क्वेश्चन रेफरेंस में आके चलो। ये रिजल्ट लेकिन डायरेक्ट याद रख। क्वेश्चन ये है वन वन वन, ऑलरेडी वन वन दिया है, आपका काम बहुत आसान है। अब ए बी सी और ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस सी बी, इसका वैल्यू जीरो आता है। अब देखिए आपका ये जो लास्ट कॉलम है थर्ड कॉलम, ये दो दो एलिमेंट्सों का सबसेक्शन है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, यूजिंग दी प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करें, तो सम प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एस सच रहेगा, थर्ड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट आएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और दूसरा जो डिटरमिनेंट है उसका भी फर्स्ट कॉलम वन वन वन, सेकेंड कॉलम ए बी सी, और थर्ड कॉलम जो आएगा इसका सेकेंड सेकेंड एलिमेंट माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, ये आए। अब आप देख रहे हो इसको एस सच रहने दो, इसका वैल्यू आप जानते हो, चाहो तो वैल्यू डाल देना क्योंकि ये तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इसका वैल्यू आप जानते हो, मैं वैल्यू लिख सकता हूँ इसका, तो इसलिए इसको ये इसकी वैल्यू मेरे पास है, मैं इसको ऐसा छोड़ देता हूँ, इसको मैं हाथ भी नहीं लगाता क्योंकि मैं इसको जानता हूँ। और अब मैं इसमें क्या करता हूँ वो देखिए, तो मैं अभी क्या करता, ये जो पूरा फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो को मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट रो को मैंने ए से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ए ए स्क्वायर माइनस ए बी। आप अपने मन से डिटरमिनेंट में बैलेंस रहना चाहिए, तो मैंने यदि फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए बाहर मैंने ए से डिवाइड किया, बैलेंस रहना चाहिए क्योंकि आप इधर से ए कॉमन निकालोगे तो ए से ए कट जाएगा, यही चीज मिल जाएगी। फिर सेकेंड रो को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस कर दिया बाहर बी से डिवाइड कर, फिर थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई किया और बाहर सी से डिवाइड कर, तो बैलेंस हो गया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि यहाँ से जो माइनस ए बी सी तीनों में बन गया, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर ए मिसिंग था, यहाँ बी मिसिंग था, यहाँ पे सी मिसिंग था, यदि मैं इसको ए से इसको बी से इसको सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सब ए बी सी ए बी सी ए बी सी बन जाते हैं, तो कोशिश करा करो सेम करने की। और अब मैंने ऐसा करने के बाद क्या किया है, अगले स्टेप में मैंने उठाया कि सीधा माइनस ए बी सी कॉमन ले लिया, थर्ड कॉलम में से माइनस ए बी सी बाहर कॉमन लिया, तो जैसे ही आप थर्ड कॉलम में से माइनस ए बी सी बाहर कॉमन लोगे तो माइनस ए बी सी अपॉन ए बी सी, ए बी सी ए बी सी कट जाएगा, माइनस बचेगा ओनली, और अंदर क्या बचा, अंदर आपका बचा ए ए स्क्वायर माइनस वन सॉरी प्लस वन, बी बी स्क्वायर वन और सी सी स्क्वायर वन, और आप देखते हो ये दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, ये दोनों सेम वैल्यू देते हैं, इसलिए ये पूरा जो है ये पूरे से कट जाएगा एंड यू गेट दिस, ये आंसर आ गया। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, सो ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीजें बहुत काम में आएंगी आपको, ऐसे आपको करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट तक सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, कि कोशिश करा करो कि भाई सबसे पहले ऑब्जर्व किया करो क्या मिसिंग है, यहाँ पर ए मिसिंग था, यहाँ बी मिसिंग था, यहाँ सी, तो मैंने इसको ए से इसको बी से इसको सी से मल्टीप्लाई किया, ये सेम बन गए, उठा के बाहर ले लिया, और जैसे ही बाहर ले लिया तो ये दोनों सेम आ गए, दोनों कट जाते हैं एंड वी गेट दिस। तो कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे
उतने आइडिया डेवलप होंगे किस तरीके से करना है, अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। ट्राई करते रहिए, पूछते रहिए आप मेरे से। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज और मैं अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा। बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, सब्जेक्टिव एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको यदि डिटर्मिनेंट को अच्छा करना है तो आप उस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5 वेयर आई गिव यू वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क और फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। सर सर इसको माइनस करने से पहले एक समान करना पड़ेगा ना दोनों को? ये एक समान ही है बेटा, अभी आपको बताया ना साइक्लिक ऑर्डर होता है, ठीक है? तो आप एक समान करने की जाओगे तो बिल्कुल ऐसे ही आता है, ठीक है? वरना आप आगे आगे मैं बोला ना 2-3 क्लास बाद आप ये डायरेक्ट काटना सीखोगे क्योंकि ये साइक्लिकली बिल्कुल सेम लिखे गए हैं। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, आप 1 लिखो, 1 के बाद a लिखो, फिर a के बाद a स्क्वायर लिखो। तो आप यदि 1 इस क्वेश्चन में कहाँ से शुरू किया गया, 1 से, 1 के बाद a लिखा है, फिर a के बाद a स्क्वायर लिखा है, फिर a स्क्वायर के बाद 1 आए, है ना? अब आपने इस वाले रिजल्ट में कहाँ से शुरुआत करी है, a से शुरू करा है, a के बाद क्या आएगा, a स्क्वायर, a स्क्वायर के बाद कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये साइक्लिक ऑर्डर इसका चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों सेम आते ही हैं, इसको आप सीधा उठा के काट सकते हो, ठीक है? अदरवाइज आप चेंज करके भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। देखिए इसे दी क्वेश्चन, प्रूव दैट थ्री बाय थ्री का डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 minus a square plus b square 2a 2b minus 2a और 1 minus a square minus b square। ये आपको शो करना है, इट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 3। इसको ट्राई करिएगा आप क्वेश्चन को, ये होमवर्क में है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos square x 5 plus cos square x cos square x 4 sin 2x 4
साइन टू एक्स फाइव प्लस फोर साइन टू एक्स, ये हमको एफ एक्स दिया है। देन आपको बताना है ये दो क्वेश्चन का आंसर करना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। पहला ऑप्शन है आपका जीरो टू इंफिनिटी, दूसरा है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, थर्ड ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस जीरो मतलब जीरो, एंड द लास्ट ऑप्शन है वन टू इंफिनिटी। और दूसरा क्वेश्चन है रेंज ऑफ इफेक्ट, रेंज ऑफ फंक्शन इफेक्ट ये कितना। पहला ऑप्शन है क्लोज इंटरवल 50 से 100 लेके 50 टू 100 माइनस 50 टू 0, दोनों क्लोज इंटरवल है, और माइनस 50 टू प्लस 50 क्लोज इंटरवल, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 50 टू 250 क्लोज इंटरवल 50 से 250। तो ये दो क्वेश्चन है, इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है और इस फंक्शन का आपको रेंज बताना है। तो ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करिए, होमवर्क में है क्वेश्चन आपको। और जो अब आपको डीपीपी दिया डीपीपी है, आप उसके क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, सॉल्व करने की। तो आपको डिटरमिनेंट के क्वेश्चन का आइडिया लगेगा, कैसे डिटरमिनेंट के क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये रिजल्ट आपको याद होंगे, उतने आइडिया डेवलप। चलते हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रहा बेटा, कट रहा है। हाँ बोलो सेकंड। सेकंड क्वेश्चन के डिटरमिनेंट का लास्ट कॉलम करो ना, 4 साइन 2x, 4 साइन 2x 5 प्लस 4 साइन 2x, 4 साइन 2x, 4 साइन 2x 5 प्लस 4 साइन 2x। ओके चलिए, तो अब चलते हैं पेज नंबर 6 पर। तो जैसा मैंने आपको बोला था डिटरमिनेंट की हमको जरूरत थी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक टॉपिक और आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मैट्रिक्स के अब कुछ टाइप आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैट्रिक्स अभी वहां पर खत्म नहीं हुआ था, आपने कुछ टाइप वहां पर पढ़े थे, कुछ और मैट्रिक्स की डेफिनेशन सब जिनमें हमको डिटरमिनेंट जरूरत थी, इसलिए हमने थोड़ा सा डिटरमिनेंट का पहले आइडिया लिया। अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हेडिंग आप डालिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्सों पर आते हैं जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, एक लाइन में मैं इसको डिफाइन करता हूं। तो हमने सबसे पहले तो कंसिडर कर लिया लेट कैपिटल ए ए आई जे एम बाई एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर होना जरूरी है, ये ध्यान में, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स एडजॉइंट
is denoted by ये एडजॉइंट का नोटेशन होता है ए डी जे ऑफ के लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिखते हैं एंड इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स इतनी सी डेफिनेशन विशेष लाइन का डेफिनेशन है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है तो एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स आप जानते हो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे So we get cofactor matrix. आप उस cofactor matrix का फिर transpose निकालिए. Transpose का मतलब क्या होता है? Row को column से interchange कर दीजिए. पहली row पहला column बना दो, दूसरी row दूसरा column बना दो, तीसरी row तीसरा column बना दो. तो row column interchange करना मतलब transpose करना. तो पहले आपको matrix A लेना है, matrix A से matrix A का cofactor matrix बनाना है, फिर उस cofactor matrix का जब आप transpose निकालोगे Then you get the adjoint of matrix A. मतलब इसमें जो कहा गया है वो ये है यदि मतलब यदि symbolically लिखें आप इसको तो ये हो गया that means यदि आपने matrix A को A I J M by N लिया है और चूंकि ये square matrix है तो इसका order अपन same लेंगे N by N या M by N कुछ भी स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो मैंने आपको क्या बताया वो आप यहाँ पर आप देखो केवल इतनी बात से आप इसको याद रख सकते हो क्या करना है हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है तो क्या बनेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स और कोफैक्टर को अपन किससे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से तो स्मॉल ए की जगह पर क्या आ गया कैपिटल ए और उसके बाद रो कॉलम इंटरचेंज करनी है तो आई जे की जगह पर क्या बन जाएगा ये जी आई और ये जो मिलेगा आपको इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स ए का सॉरी एडजॉइंट ये है एडजॉइंट तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ कोफैक्टर मैट्रिक्स बनने के बाद उसका एडजॉइंट निकाल सॉरी उसका ट्रांसपोज निकाल दो देन यू गेट एडजॉइंट मैं एक एग्जांपल में इसको करके बताता हूँ जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ तो फिर अपन इसकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे इफ आई टेक मैट्रिक्स ए मैं ले लेता हूँ टू बाई टू का ले लेता थोड़ा सा यूज हो जाता वन टू थ्री फोर ले लेता हूँ चलो ये ले लिया अब आप क्या करोगे इसका मेरे को एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे तो इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है तो वन का कोफैक्टर कितना होगा फोर टू का कोफैक्टर कितना होगा माइनस थ्री थ्री का कोफैक्टर कितना होगा माइनस टू फोर का कोफैक्टर कितना होगा वन ये कोफैक्टर आ गए अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज निकालोगे So you get the adjoint. So therefore, adjoint of matrix A जो है, adjoint of matrix A हो जाएगा. First row को first column लिखी. क्या हो जाता है? 4 minus 3. Second row को second column. Minus 2. ये आ गया matrix A का adjoint. ये मैं आपको बोल रहा हूँ. This cofactor matrix का transpose is called the adjoint. अब आप इसमें एक बात और observe करो. ठीक है? दो बाई दो के लिए आप एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हो केवल क्या करना है आप ये देख रहे हो कि हुआ ये है कि ये मैट्रिक्स ए था ये उसका आंसर है एडजॉइंट है तो इसमें फर्क केवल कितना आया है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज हो गए हैं वन फोर की जगह फोर वन आ गया और जो रेस्ट डायगोनल है बचा हुआ डायगोनल है उसके एलिमेंट्सों की साइन चेंज हो गए हैं टू की जगह माइनस टू और थ्री की जगह माइनस टू तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कोई जनरल मैट्रिक्स ले लें तो देयरफॉर जो नोटेबल बात आपके पास यहाँ पर आ गई वो नोटेबल थिंग ये हो गई
कि यदि आप कोई मैट्रिक्स ए ये ले लेते हो ए बी सी डी 2x2, ये केवल 2x2 के लिए बता रहा हूँ, 3x3 के लिए नहीं है ये 2x2। 2x2 का अब आप आगे से डायरेक्ट एडजॉइंट लिख सकते हो, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए में आपको क्या करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज करना है, मतलब ए की जगह डी, डी की जगह ए हो जाएगा, और जो रेस्ट डायगोनल है, बचा हुआ डायगोनल, उसके एलिमेंट्सों के साइन चेंज कर देना, माइनस बी और माइनस सी, तो डायरेक्टली यू गेट दी एडजॉइंट। 2x2 के लिए डायरेक्ट वी राइट दी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, 3x3 के लिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज दी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगले पेज पर अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिलहाल आपको कोई डाउट है तो पूछना है। टेक दी स्क्रीनशॉट, दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एक लाइन में आप याद रखिए, किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, इट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इतनी लाइन आप बस इंपॉर्टेंटली याद, एक लाइन बस, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का कोफैक्टर जो, सॉरी, इसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा उसको अपन बोलेंगे एडजॉइंट, और एडजॉइंट का नोटेशन ये है एडीजे। कहीं कहीं आप देखोगे कैपिटल ए भी लिखा था, कैपिटल ए डी जे भी लिखा जाता है, जनरली स्मॉल ए डी जे अपन लिखेंगे यहाँ पर। सो नाउ हियर वी डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, और हेडिंग डाल लें प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो इससे आगे मैं एक वर्ड डाल देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ, तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी में दी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए, ए इज एनी मैट्रिक्स। यदि आप ए में मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू adjoint of matrix A into A equals to determinant of A into IN। अब इसमें IN में जो N है, N is the order of matrix A, जितने बाय जितने का आपने matrix लिया है उतने बाय उतने का ये identity matrix बनता है। So where n is order of matrix, जितने बाय जितने का matrix A का order होगा उतने बाय उतने का आप identity matrix लोगे, ठीक है। और आप ये जानते हो identity matrix main diagonal के जो elements हैं वो 1-1 है और rest of the element 0-0 है। तो यदि मैं मैट्रिक्स ए को 3x3 का कोई मैट्रिक्स लूंगा तो ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, मतलब मेन डायगोनल में 1-1-1 आएंगे, और जब आप उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करोगे तो मेन डायगोनल में डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए दिखेगा। और आप इसको प्रॉपर्टी को ऐसा भी समझ सकते हैं,
यहाँ पर आपने जब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि ए बी और बी ए का प्रोडक्ट बराबर नहीं होता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, आपने ये लिखा था। फिर मैंने आपको बोला था कि कुछ एक्सेप्शनल होते हैं और ये है वो एक्सेप्शनल, यदि हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो ये कम्यूट कर जाता है, मतलब मैं एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स होगा तो ये भी कोई मैट्रिक्स आएगा, तो इसको मैं बी मान लेता हूं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, ए बी बराबर बी ए, तो ए बी बराबर बी ए कब होता है, जब बी आपका मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हो। तो किसी मैट्रिक्स को यदि आप उसके एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, ऑलवेज यू गेट दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में कन्वर्ट होगी और वो फॉर्मूला को आप जानते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहीं से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन निकल के आती है। तो पहले आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेके इस 3x3 के प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स, ताकि हमको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट रिवाइज हो जाए, हमको 3x3 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकालना, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और साथ में अपन ये प्रॉपर्टी कम्यूट करके भी देख लेंगे कि वाकई इसका प्रोडक्ट इतने के बराबर आता है कि नहीं। तो कोई भी एक 3x3 का मैट्रिक्स लेके अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, फिर अपन कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ और बढ़ेंगे। So here we take a matrix of order 3x3, square matrix ही लेना है, तो मैंने ले लिया 1-1, 2, फिर 2-0, 3, फिर 1-1, 2, ऐसा कोई भी ले सकते हैं आप मैट्रिक्स, अपन इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो नाउ वी राइट इट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, तो वो ये चीज है कि हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, बाद में ट्रांसपोज मार देंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम से इंटरचेंज करना। तो मैं कर क्या रहा हूँ, दोनों चीजें एक साथ हो जाएं, कोफैक्टर भी निकल जाए और ट्रांसपोज भी निकल जाए। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट व्हेन यू हैव टू राइट एडजॉइंट, तो रो वाइज कोफैक्टर निकालेंगे और कॉलम वाइज लिखते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साथ साथ ट्रांसपोज भी लिखते जा रहे हैं। तो मैं पहले रो का सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, उसको पहले कॉलम में लिख दूंगा, बस और कुछ नहीं करता। तो 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, ये छोड़ेंगे 1 का कोफैक्टर आएगा -3, ये लिख दिया 1 का कोफैक्टर। अब निकालेंगे -1 का कोफैक्टर, ये छोड़ेंगे तो ये आता है 2×2 = 4, -3 1 आता है और नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो -1 आएगा। फिर इस 2 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 2 का कोफैक्टर 2 आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। फिर इस 2 का कोफैक्टर लिखेंगे तो इस 2 का कोफैक्टर आएगा -2, -2, -4 विथ साइन लिखना है तो +4। 0 का कोफैक्टर 2-2 0 हो जाता है, कोई साइन लगेगा ही नहीं। 3 का कोफैक्टर निकालोगे तो ये 1+1 2 हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, -2 आता है। फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा -3 विथ साइन लिखना है, -3 ही आता है इसमें साइन। फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे तो 3-4-1 +1 हो जाएगा और 2 का कोफैक्टर लिखेंगे तो +1। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स भी निकल गया और साथ में ट्रांसपोज भी निकल गया। पहली रो के कोफैक्टर निकाल के पहले कॉलम में लिख दिए, दूसरी रो के कोफैक्टर दूसरे कॉलम में, तीसरी रो के कोफैक्टर तीसरे कॉलम, ये हमको डायरेक्ट मिल गया एडजॉइंट। अब अपन मैट्रिक्स ए के साथ एडजॉइंट का प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स ही बनेगा। और कैसे करेंगे प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3+1+4 कितना आ गया, -3+1+4 है ना, देख लेना एक बार, 4×1=5, -3 2 आ गया। चलते हैं अभी आगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4×0-4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3-1-4+4 0 ये आएगा ही करके आप देखते रहिए। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो -6 0+6 फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 8 0-6 और फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम -6 0+6 0। अब आप ये भी निकाल लेना, ये भी ये आया। अब इसमें 2 बाहर आ जाता है, जब आप 2 बाहर निकाल लोगे तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1,
अब आप इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए, तो हियर वी राइज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं, और वो भी निकालने की जरूरत नहीं है। आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, यदि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्सों को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू गेट दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखे हैं और उसके कोफैक्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस थ्री। वैल्यू निकालना आप, तो ये आएगी माइनस थ्री, फिर आएगी प्लस वन, फिर प्लस फोर। कैलकुलेट कर लीजिएगा, दो आता है। तो ये जो दो आपका आया, ये दो को हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये अपन ने वेरीफाई मार दिया कि किसी मैट्रिक्स में आप उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री मिल गया। ये वेरीफाई हो गया। अब इसमें एक चीज वेरीफाई करने को रह गई, मैंने ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करा, आप एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही चीज आना थी, वो आप करके देख लेना। तो ये है प्रॉपर्टी अपनी, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, टू बाई टू का भी ले सकते हो। मैंने थ्री बाई थ्री का इसलिए लिया है क्योंकि थ्री बाई थ्री का एडजॉइंट अपन ने यहाँ पर देख लिया, थ्री बाई थ्री का प्रोडक्ट हमारा रिवाइज हो गया, और थ्री बाई थ्री का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैंने लिख लिया यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें अपनी पिछली रिवाइज हो गई, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया। तो नाउ टेक दी स्क्रीन शॉट। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और यहीं से इनवर्स का फॉर्मूला निकलेगा, इसलिए प्रॉपर्टी आप अच्छे से लर्न करिएगा। सर सेकंड स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? बोले सर लास्ट सेकंड स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? लास्ट सेकंड स्टेप में तो फ्रॉम इक्वेशन वन लिखा है, टू कॉमन लिया है, यहाँ से टू कॉमन। जब डिटर मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट कॉमन आता है तो हर एलिमेंट से कॉमन आता है, तो जब आप टू कॉमन लेंगे तो ये ऐसा दिखने लगे। और आपने यहाँ पर डिटरमिनेंट की मतलब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, तो डिटरमिनेंट आप थ्री बाई थ्री का सॉल्व करना जानते हैं ना, आप उसको सॉल्व करना, जैसे भी सॉल्व करना हो आपको, थ्री बाई थ्री के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो वो टू आती है, ठीक है। ये आपको करके देखना है। मैंने यहाँ पर ये किया है कि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखे हैं और इनके कोफैक्टर ये लिखे हुए हैं, तो एलिमेंट्सों को जब अपन कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। ये आपने पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी, यदि किसी मैट्रिक्स की किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्सों को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, किसी अदर रो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिलता है। तो हम पहली रो के एलिमेंट ये हैं और पहली रो के कोफैक्टर ये लिखे हैं क्योंकि ट्रांसपोज निकाला हुआ है, तो ये एलिमेंट्स हैं, ये कोफैक्टर हैं, तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी लगाई है आप, जहां पर आपने लिखा था ए वन वन इंटू ए वन वन, फिर प्लस ए वन टू इंटू ए वन टू, फिर प्लस ए वन थ्री इंटू ए वन थ्री बराबर डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है कुणाल? हाँ सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह अपनी प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, काफी सारे प्रॉपर्टीज हैं तो मैं इसको कल की क्लास में खत्म करूंगा प्रॉपर्टीज को, करीबन आठ एक प्रॉपर्टी और इसमें आठ प्रॉपर्टीज और हैं, ठीक है, और सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये अपन ने एक्सप्लेन इसलिए ज़्यादा इसको तवज्जो दिया क्योंकि यहाँ से अपन इनवर्स का भी डेफिनेशन निकालेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट आपको कल परसों के टेस्ट में नहीं आएगा, उसके पहले तक जो आपने पढ़ा डिटरमिनेंट में जहाँ पर आपने ख़त्म किया वहाँ तक टेस्ट में आएगा। तो क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कल की क्लास में हम इसमें आगे का प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको इस पर, और फिर अपन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कुछ दो तीन टॉपिक इसमें और हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, फिर ये चैप्टर अब धीरे धीरे अपने एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो बाकी करेंगे कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।